दोस्तों, बुद्धि के स्वामी विद्या सुखद दाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। बात उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना का प्रारंभ करने जा रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित ना करे। अब इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। अब गणेश जी ने भी उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उनका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। अब इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। अब इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को एक नया नाम एक दंत दिया। अब दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति क्षमता और बुद्धिमता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती, वे कोई बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते, उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। माना जाता है कि महाभारत महाकाव्य में कई अंतरे कहीं गुम हो गए हैं। इसके बावजूद आज भी महाभारत में 1,00,000 अंतरे हैं। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5,000 लाइक। अब 5,000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।